हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद शबीना। आज मैं बनाने वाली हूँ बेबी कॉर्न चिली। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। मैं यहाँ पे ली हूँ 300 ग्राम बेबी कॉर्न, 4 बड़े साइज के प्याज, नमक स्वाद अनुसार, ग्रीन चिली, कॉर्नफ्लोर, मैदा, टमाटो केचप, चॉप्ड किए हुए शिमला मिर्च, विनेगर, सोया सॉस, चॉप्ड जिंजर एंड चॉप्ड गार्लिक, अब मैं बेबी कॉर्न्स को चॉप कर दे रही हूँ। और अब मैं उसे दूसरे बॉल में ट्रांसफर कर दे रही हूँ। अब मैं प्री हीटेड वाटर में बेबी कॉर्न को बॉईल करूंगी 10 से 15 मिनट तक। उसमें मैं नमक ऐड कर चुकी हूँ और ये ऑलमोस्ट बॉईल हो चुका है। तो अब मैं इसे ड्रेन आउट कर देती हूँ एक्सेस वाटर को। अब मैं इसे कूल होने के लिए बॉल में डाल दे रही हूँ। मैं इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 नमक स्वाद अनुसार, अब मैं इसे शफल करके अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 4 टेबलस्पून मैदा, अब मैं एक पैन में 1 कप ऑयल डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें मैरिनेटेड बेबी कॉर्न के पीसेस डाल दे रही हूँ फ्राई होने के लिए। मैं इसे गोल्डन फ्राई कर रही हूँ। और सारे पीसेस को उसी तरह से फ्राई कर दे रही हूँ मैं। अब मैं दूसरे पैन में 1/2 कप ऑयल डाल रही हूँ। चॉप्ड किए हुए जिंजर एंड चॉप्ड किए हुए गार्लिक मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप्ड किए हुए हरी मिर्च। इसे मैं शैलो फ्राई कर ले रही हूँ। चॉप किए हुए प्याज मैं डाल दे रही हूँ इसमें। सभी को मैं शैलो फ्राई करती जा रही हूँ।
अब मैं इसमें चॉप किए हुए शिमला मिर्च भी डाल चुकी हूँ और इसे अच्छे से शैलो फ्राई कर दे रही हूँ। वन टीस्पून विनेगर एंड वन टीस्पून सोया सॉस, वन टेबलस्पून चिली सॉस, टू टेबलस्पून टमाटो केचप। अब मैं इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार। मैं अब कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। और अब मैं उस पैन में डाल दे रही हूँ कॉर्नफ्लोर को बिल्कुल अच्छे से। मैं मिक्स कर दे रही हूँ अब इसे। अब मैं थोड़े से पानी में रेड फूड कलर मिक्स करके उसे भी ऐड कर दे रही हूँ और परफेक्टली मिक्स कर दे रही हूँ मैं इसे। अब मैं इसमें फ्राइड बेबी कॉर्न्स ऐड कर दे रही हूँ। अच्छे से मैं मिक्स कर दे रही हूँ। स्प्रिंग ऑनियंस को मैं स्प्रिंकल कर चुकी हूँ इसमें और अब मैं इसे एक बाउल में सर्व करने के लिए निकाल रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप बेबी कॉर्न चिली घर पे बनाने की जरूर से ट्राई करेंगे। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपकी बेबी कॉर्न चिली कैसी बनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करिए ताकि मेरे वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपके पास आए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।